हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडयाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। सो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम लेंगे अपनी एलिजाबेथन यानी कि शेक्सपियरियन एज, ठीक है? और बहुत ही खूबसूरती से हमने अपनी पिछली एज चौसर एज कंप्लीट की है। उसमें चाहे राइटर्स हो, वर्क हो, जो भी कंटेंट हो, तो आई होप आपने प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से प्रॉपर सीक्वेंस में उन सब लेक्चर्स को देखा है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं। और जो भी मैंने आपको गाइड किया था गूगल से देखना या विकिपीडिया या ब्रिटानिका से, वो आपने कर लिया है। और साथ में मैंने उसके अंतिम लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे ऐप पे जो RS मलिक के MCQ हैं या जो भी और MCQ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ डिफरेंट यूनिट्स में, वो भी आपने ज़रूर करने हैं। एंड उसमें भी अगर करती बार कोई राइटर, कोई वर्क, कोई टॉपिक, कोई टर्म, कोई कॉन्सेप्ट आपको ऐसा दिखता है कि आपको नहीं पता, तो उसको भी आपने ज़रूर गूगल से कर लेना है। ये चार स्टेप हैं प्रेपरेशन के। पहला, क्लास का लेक्चर देखना। दूसरा, क्लास के लेक्चर को करवाती बार जो भी चीज़ें कही गई हैं गूगल या ब्रिटानिका से देखने को, वो देखना। तीसरा, जो भी MCQ दिए गए हैं उन्हें देखना। और चौथा, MCQ में कोई भी अगर राइटर या वर्क, कोई भी टर्म या कॉन्सेप्ट आपको लगे कि आपने नहीं पढ़ा है, उसको भी गूगल से सर्च करना। और जो भी चार या पांच बातें उसके बारे में आ रही हैं उन्हें नोट डाउन करना, ठीक है? और इन चारों स्टेप में जंप नहीं मारना है कोई। पहला क्लास का लेक्चर ही है, दूसरा उसी को गूगल से देखना है, तीसरा MCQ ही है, चौथा उसको गूगल से देखना है। एकदम अगर आप जंप मारोगे, कुछ आगे पीछे करने की कोशिश करोगे, फिर आपकी जो तैयारी जो मैंने एक प्रॉपर सोची है सिस्टमेटिक, वो नहीं हो पाएगी और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक लेक्चर जो है, कोई भी लेक्चर मेरा होता है, इट्स नॉट ओनली कि मैं आपको पढ़ा के निकल जाऊँ, इट्स लाइक आई हैव टू कीप यू ऑन ट्रैक, ठीक है? आपको ट्रैक पे रहना है। और जो मेरा प्रॉमिस है कि इस कोर्स को करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, इसे ही अच्छे से करें, वो भी फिर निभ जाएगा। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की जो हमारी एज है एलिजाबेथन एज, उसे हम लेना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये एज कौन सी है, इसे एलिजाबेथन एज क्यों कहते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है। तो एक बात का तो आप ध्यान रखें, जैसे पीछे हमने चौसर एज की थी, क्योंकि वो चौसर के नाम पे वो मेन राइटर था उस एज का, और हमने उसे चौसर एज कह दिया, ठीक है? वैसे ही ये अब हमारी सेकेंड एज है जो चौसर के बाद आती है, जिसे हम कहते हैं एलिजाबेथन एज, ठीक है? या इसे ही हम कहते हैं शेक्सपियरियन एज। एलिजाबेथन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो समय था जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। और शेक्सपियरियन एज क्यों कहते हैं कि इस समय जो मेन राइटर थे, जो प्रोमिनेंट राइटर थे, वो शेक्सपियर थे। जैसे पीछे चौसर एज में मेन राइटर चौसर थे, वैसे इस एज में मेन राइटर हमारे शेक्सपियर थे। तो अगर मैं इस समय की रानी जो हुई हैं उनके नाम पर नाम रखूं एज का, तो इट विल बी एलिजाबेथन एज। और अगर मैं बात करूं कि इस समय कौन से मतलब राइटर प्रोमिनेंट रहे हैं, तो डेट इज़ शेक्सपियरियन एज, ठीक है? तो ये एलिजाबेथन एज जो है, ये हमारी एलिजाबेथन रानी है, ठीक है, उनके नाम पे पड़ा है। और दोस्तों, इसका जो समय है बेसिकली वो 1558 से लेकर 1603 है, ठीक है? 1558 से लेकर 1603 है, 1558 से 1603। ये क्यों है? क्योंकि 1558 1558 में एलिजाबेथ जो है वो रानी बनी थी दोस्तों, ठीक है? और 1603 में उनका रानी का समय ख़त्म हो गया था। तो एग्जैक्ट वो समय जब वो अपनी गद्दी पे बैठी और गद्दी से उठ गई, उस एग्जैक्ट समय को 1558 से 1603 के समय को हम एलिजाबेथन एज कहते हैं। आगे दोस्तों, खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी एलिजाबेथ को मैंने जस्ट अभी बताया, हम इसको शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं, क्योंकि अगर इस समय एलिजाबेथन रानी थी, तो शेक्सपियर जो है इस एज के मेन राइटर थे। और ईयर तो आपको पता लग ही गया, 1558 से 1603, जो बेसिकली रेन का पीरियड है, जो शासन का पीरियड है एलिजाबेथन का। नेक्स्ट दोस्तों, इस एज की खास बात क्या है, इसमें ड्रामा
बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था, ड्रामा बहुत ज़्यादा पीक पे गया था। ठीक है, जैसे अगर मैं इससे ठीक पीछे की एज लूँ, चौसर एज, तो जो भी है इंग्लिश की बिगिनी चौसर एज से हुई है, चौसर ने बिगिन की इंग्लिश की, एंड उसमें आप देख सकते हो बार बार वर्ड्स की बात हो रही थी, पोइट्री की बात हो रही थी, वो कविता का जॉनर था। ठीक है, पर एलिजाबेथन एज की खास बात क्या है, इसमें आपको ड्रामा भरपूर देखने को मिला। ड्रामा होते हैं प्ले जो हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जैसे एक्ट्स होते हैं थिएटर में जो प्ले परफॉर्म होते हैं उसे कहते हैं ड्रामा। ठीक है, और जैसे इस एज के मेन राइटर कौन है, शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के ड्रामा, शेक्सपियर के प्ले आपने सुने ही होंगे, बहुत एक पॉपुलर ड्रामा है रोमियो जूलियट, है ना। जो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं भी होता उसको भी पता होता है कि हाँ कोई रोमियो जूलियट है, छोटे से बच्चे को भी पता होता है। ठीक है, तो रोमियो जूलियट जो है वो एक ड्रामा ही है, एक प्ले ही है, वन ऑफ अ पॉपुलर प्ले बाय शेक्सपियर। ठीक है, तो ये होगी हमारी अभी तक इंट्रोडक्शन कि इस एज के क्या नाम है, इस एज का लाइफ स्पैन क्या है, कौन मेन राइटर है, एंड क्या इस चीज़ में, इस एज में मेन हुआ। ठीक है, और अब हम इस एज को भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने चौसर एज को पढ़ा था, जैसे उसमें हमने इंट्रोडक्शन ली थी ना एज की, पूरा समझा, फिर उसमें बहुत सारे राइटर्स किए, उनके वर्क किए, तो सिमिलर थिंग वी विल डू हियर। शेक्सपियर तो करेंगे ही, पर एडमंड स्पेंसर एंड ऑल ऐसे ऐसे मेन प्रोमिनेंट राइटर हैं इस एज के, वो हम करेंगे। और एक और बात का ध्यान रखना, चाहे मैंने अभी आपको कहा कि इस एज में ड्रामा प्रिवेलिंग था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ड्रामा ही इस एज में आया है, पोइट्री भी आई है। ठीक है, पर ड्रामा की जो बिगिन है एंड ड्रामा की जो ग्रोथ है वो सारा जो जॉनर है वो इस एज में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंट्रो भी हो गई और बिल्कुल शुरू में मैंने गाइड भी कर दिया है क्या कैसे करना है। अब आइए आगे इसके तहत हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाना है, डेट इज़ बेसिकली बाइबल की ट्रांसलेशन। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में हमारी जो सेक्रेट बुक है वो भागवत गीता है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, वैसे ही जो क्रिश्चियनिटी है उसमें बाइबल जो है सेक्रेट बुक है, पवित्र बुक का उसको दर्जा प्राप्त है। अब खास बात क्या है, जो बाइबल है जो बिल्कुल ओरिजिनली लिखी गई है वो काफ़ी सारे लोगों के हाथ से होके ट्रांसलेट होके निकली है, क्योंकि बाइबल काफ़ी ओल्ड बुक है, वो एग्जैक्ट इंग्लिश में नहीं है, वो उस समय जो भी लैंग्वेज रही होगी उसमें लिखने की कोशिश की गई है, ना वो पब्लिश हुई है, वो हाथ से लिखी गई मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो जो बाइबल है वो काफ़ी सारे लोगों के हाथों से होके गुजरी है, काफ़ी सारे लोगों ने उसे ट्रांसलेट किया है एंड काफ़ी सारे लोगों ने फिर उनके नेम भी रखे। ठीक है, तो अब हम पूरा जो बाइबल की ट्रांसलेशन है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स करने वाले हैं, और आपके सामने ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प एंड पॉइंट टू पॉइंट हैं जो मैं आपको समझाऊंगी, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जहाँ पे हमें प्रॉपर सीक्वेंस भी मिलेगा कि कब किसने बाइबल की ट्रांसलेशन की, उसके बाद किसने की, ईयर का भी हमें पता लगेगा किस ईयर में वो हुआ, और साथ में जो उनके नेम भी हैं वो भी हमें पता लगेंगे। तो एक एक करके अभी हम सारे करेंगे, तो अभी हम करना शुरू करते हैं। और आपको मैं वही टिप देना चाहूँगी, किसी भी मोमेंट में अगर आपको लगे कि टफ लग रहा है या याद नहीं हो रहा है तो लेक्चर को बार बार रिकॉर्डिंग में सुन लेना, है ना, क्योंकि मैंने क्या निंजा टेक्निक दी है आपको, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार आपके सेंसेस यूज होंगे, उतना आपके दिमाग में बैठेगा, आपको याद होगा। ठीक है, तो आइए बाइबल की जो भी ट्रांसलेशन हुई हैं, किस किसने की है, कब कब की है, क्या क्या उनके नेम है, क्या उनकी खासियतें हैं, प्रॉपर सिक्वेंस में करना शुरू करते हैं। ध्यान रखें हर एक पॉइंट जो मैं करा रही हूँ वो एमसीक्यू है, नाक ऐसे पकड़े या ऐसे, डायरेक्ट भी प्रश्न आ सकता है, इनडायरेक्ट भी, तो ध्यान से आपने करना है। सो दोस्तों, बाइबल की ट्रांसलेशन में एक तो ये स्लाइड है हमारी और एक ये स्लाइड है। ठीक है, तो नंबर 1 से शुरू हो रही है एंड नंबर 9 तक जा रही है, यानी कि प्रॉपर 9 हम जो है इसकी ट्रांसलेशन देखने वाले हैं, और जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने की चीज़ें हैं वो सारी मैं आपके सामने रखूंगी, आपसे गाइड करूंगी। सबसे पहले दोस्तों, जो बाइबल की ट्रांसलेशन है वो बीडी ने की थी, ये बस आपने याद रखना है, बीडी ने की थी, ये सबसे पहली फॉर्म जो है बाइबल की वो बीडी के द्वारा आई है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जो पहला ट्रांसलेशन का
कॉन्सेप्ट जाता है, जिन्होंने क्रिश्चियन बाइबल को इंग्लिश में सबसे पहले ट्रांसलेट किया, वो है जॉन विक्लिफ, और ये उन्होंने 1380 में किया था। इफ़ यू डू रिमेम्बर, इससे पीछे जब मैंने चौसर एज आपको कराई है, मैंने बताया भी था विक्लिफ को हम फादर कहते थे प्रोज का, क्योंकि उन्होंने बाइबल की ट्रांसलेशन की थी और ये प्रोज वर्क था। ठीक है, तो सबसे पहला जिन्होंने इंग्लिश में क्रिश्चियन बाइबल को ट्रांसलेट किया है वो है विक्लिफ, और ये उन्होंने किया है 1380 में। ठीक है, 1380 में। उसके बाद दोस्तों 1526 1526 में टिंडेल ने इनको ट्रांसलेट किया बाइबल को, और उस बाइबल का नाम रखा गया न्यू टेस्टामेंट। ठीक है, तो विक्लिफ के बाद 1526 में टिंडेल ने किया बाइबल को ट्रांसलेट, और इसका क्या नाम रखा, न्यू टेस्टामेंट। उसके बाद 1535 में दोस्तों कवरडेल जो है बाइबल की ट्रांसलेशन लेकर आए, जो फुल प्रिंटेड फॉर्म में थी, यानी कि प्रॉपर प्रिंटेड थी, हाथ से लिखी हुई नहीं थी। ठीक है, सो 1535 में किसकी आई, बाइबल कवरडेल की आई। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है, ये फुल प्रिंटेड थी, ये कोई हाथ से लिखी हुई नहीं थी, पूरी की पूरी ये प्रिंटेड वर्जन है, क्योंकि 1476 में कैक्सटॉन जो है प्रिंटिंग हाउस जो है इंग्लैंड में ले आए थे। अगेन आई एम रिपीटिंग, 1476 में कैक्सटॉन इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस ले आए थे। तो जब 1535 में कवरडेल की आई बाइबल, तो वो फुल प्रिंटेड ही निकली, जो भी उन्होंने ट्रांसलेशन की थी वो प्रिंट फॉर्म में निकली। देखो, हाथ से लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, प्रिंट होता है जो मशीन से पब्लिश हुआ है, हाथ से लिखा हुआ बार बार इतनी सारी कॉपीज बनाना पॉसिबल नहीं होता, डिफिकल्ट होता है, जबकि प्रिंट में आपको वही चीज़ जो है सॉर्टेड हो जाती है। उसके बाद दोस्तों 1537 में जो बाइबल आई, डेट इज थॉमस मैथ्यू। ठीक है, 1537 में जो आई वो कौन है, थॉमस मैथ्यू। अभी एक एक बार सिक्वेंस में करते चलो, फिर मैं आपको पूरा गुनगुना के भी दिमाग में बिठाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारे सामने 1539 में ग्रेट बाइबल आई थी, जो बेसिकली कवरडेल और टिंडल पे बेस्ड थी। तो देखो, कवरडेल की 1535 में आई है, टिंडल की 1526 में आई है। जब हमने उन दोनों को कंबाइन करके एक वर्जन निकाला, उसको हमने नाम दे दिया ग्रेट बाइबल, जो 1539 में आया, और इसमें कवरडेल और टिंडल दोनों शामिल थे। ठीक है, तो कवरडेल और टिंडल की अलग अलग भी आई, फिर बाद में उन दोनों का मिलाकर ही हमने इकट्ठे निकाल दिया 1539 में, जिसे हमने नाम दिया ग्रेट बाइबल। उसके बाद दोस्तों एक बाइबल हमारे सामने है, कैल्विनिस्टिक जिनेवा बाइबल। क्या है कैल्विनिस्टिक जिनेवा बाइबल, जो बेसिकली 1560 में आई थी। ठीक है, और इसे हम ब्रिचिज बाइबल भी कहते हैं। ब्रिचिज बाइबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो बाइबल है ना, फिग लीव्स होते हैं, उनको इकट्ठा सिल के हम उस पर लिख के करते हैं। तो फिग लीफ ना, फिग एक प्रकार का आपका प्लांट है, उसके पत्तों पे ये लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो कैल्विनिस्टिक जिनेवा बाइबल है, जो 1560 में आई है, ये कोई नॉर्मल बाइबल नहीं है, ये पत्तों को इकट्ठा करके उस पर लिखी गई है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे ब्रिचिज बाइबल भी कहते हैं। ब्रिचिज बाइबल का मतलब है जो प्लांट पत्तों पे लिखी गई हो। ठीक है, और किसके पत्ते इकट्ठे किए गए, फिग लीव्स इसमें इकट्ठे किए गए हैं। तो एक प्रश्न मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ, आपने सर्च करना है कि फिग क्या होता है, लीव्स तो पत्ते हो गए, फिग कौन सा पौधा है, बरगद का है, किसका पौधा है जिसके पत्तों पे ये लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1568 में जो बाइबल आई, डेट ऑफ बिशॉप की बाइबल, बिशॉप ने भी मतलब ट्रांसलेट करके हमें 1568 में दी, और जो प्रॉपर ऑथराइज्ड बाइबल है वो 1611 में आई थी, जो जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड ने दी थी। जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड, अगर आपको याद हो, है ना, हमने इन्हें स्कॉटिश चौसेरियन में पढ़ा था, तो वो 1611 में प्रॉपर ऑथराइज्ड बाइबल का वर्जन लेकर आए, जिसे कहीं ना कहीं हम आज तक फॉलो करते हैं। ठीक है, उसी में ही थोड़े बहुत चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन है, वही हम आज तक फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी द होल जर्नी, 9 स्टेप्स आए, अलग अलग ईयर्स आए, अलग अलग लोग आए, एंड उन्होंने बाइबल हमें दी। तो एक तो मैंने फिग लीव्स वाला आपको घर से सर्च करने को कहा है, और दूसरा ये जो मैंने बताया 9th नंबर पे कि ऑथराइज्ड बाइबल 1611 में आई है, स्कॉटलैंड के जेम्स वन ने दी है,
इसे आपने चेक करना है, दिस इज अ प्रश्न फॉर यू फॉर होम, कि क्या वाकई जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड ने बाइबल दी है या किसी और ने दी है, और आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो ये हमने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कर लिया। अब हम इनको थोड़ा गुनगुनाएंगे दोस्तों और दिमाग में बिठाएंगे। ठीक है, तो जब कभी एक ही चीज़ के इतने सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इसमें बाइबल का ही सारा बताया गया है, तो चलो मैंने एक एक करके अभी आपको समझा दिया, आपके माइंड में बिठाने के लिए चीज़ें रिपीट की। अब हम थोड़ा सा निंजा टेक्निक अपनाएंगे कि जो भी ईयर्स हैं, राइटर्स हैं, वर्क है, नेम है, उनको गुनगुनाएंगे। ठीक है, तो आप जहाँ पे भी हो सभी अपनी सीट की पेटियाँ बांध लीजिए। आइए जयकारा शेरा माता काली का लगाते हैं, इनको गुनगुनाते हैं और दिमाग में बिठाते हैं। ध्यान रखना, बहुत ज़ोर से मत बोलना, उससे आप थक जाओगे, पर साथ साथ में आप बोलना जरूर, क्योंकि जितना आपकी आंखें इसको देख रही हैं, मुझे देख रही हैं, आपको सुनाई दे रहा है, आप साथ में बोल रहे हो, आपकी अपनी आवाज़ आपके कान में जा रही है, उतना आपको पक्का याद हो जाएगा। करें फिर शुरू, चलो। बिडी फर्स्ट ट्रांसलेशन बाइबल इंटू इंग्लिश, विक्लिफ 1380 फर्स्ट ट्रांसलेशन बाइबल इंटू इंग्लिश, विक्लिफ 1380 फर्स्ट ट्रांसलेशन बाइबल इंटू इंग्लिश, टिंडल छब्बी न्यू टेस्टामेंट, टिंडल छब्बी न्यू टेस्टामेंट, टिंडल छब्बी न्यू टेस्टामेंट, टिंडल छब्बी न्यू टेस्टामेंट, कवरडेल 35 printed coverdale panty, full printed coverdale panty, full printed coverdale panty, full printed Thomas Matthew Santi Santi, 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 Thomas Matthew Santi Santi। इसमें आप ध्यान सकते हो मैंने 15-15 नहीं बोले, क्योंकि 15 सब में कॉमन था, 26-35-37 बोले। तो ये भी एक टेक्निक होती है, शुरू के कुछ ईयर्स अगर आप चाहें स्किप कर सकते हो तो कर लो, और वो पोर्शन याद रखो कि पेपर में क्लिक हो जाए। उसके बाद देखिए आगे, ग्रेट बाइबल 39 बेस्ड ऑन कवर डेल एंड टिंडल, ग्रेट बाइबल 39 बेस्ड ऑन कवर डेल एंड टिंडल, ग्रेट बाइबल 39 बेस्ड ऑन कवर डेल एंड टिंडल, ग्रेट बाइबल 39 बेस्ड ऑन कवर डेल एंड टिंडल, कैल्विनिस्टिक जिनेवा बाइबल 60 विच इज बाइबल फीग लीव्स टुगेदर, कैल्विनिस्ट जिनेवा बाइबल 60 विच इज बाइबल फीग लीव्स टुगेदर, कैल्विनिस्ट जिनेवा बाइबल 60 ब्रिचेस बाइबल फीग लीव टुगेदर, कैल्विनिस्ट जिनेवा बाइबल 60 ब्रिचेस बाइबल फीग लीव टुगेदर, कैल्विनिस्ट जिनेवा बाइबल 60 ब्रिचेस बाइबल फीग लीव टुगेदर, बिशप 68 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 बिशप 68, ऑथराइज्ड बाइबल 1611, ऑथराइज्ड बाइबल 1611, ऑथराइज्ड बाइबल 1611, ऑथराइज्ड बाइबल 1611, ऑथराइज्ड बाइबल 1611। ठीक है, इसमें मैंने 1600 बोला। देखो सिर्फ जो पहली है वो 1380 में है, ठीक है, बाकी सारी 15 में है, ठीक है जी, और सिर्फ लास्ट वाली है जो 1611 में है। तो जो सारी 15 वाली थी उनको मैंने नॉर्मली बोला, जो पहली है वो 1380 में है, एंड वाली 1611 में, और सारी बीच वाली 15 में है। तो 1380 को भी मैंने पूरा बोला, 1611 को पूरा बोला, बाकी जो 15 के सारे सीक्वेंस में थे उनके सेकंड सेकंड हाफ ही लिए। ठीक है, तो ये भी हार्ड वर्क है स्मार्ट टेक्निक से करने का। तो एक तो दोस्तों ये नोट्स ही बहुत अच्छे हैं, इतने शॉर्ट क्रिस्प कंपाइल नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, बहुत मोटी मोटी किताबें छांटने के बाद आपको ये नॉलेज मिलेगा। सेकंड नंबर पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ा दिया, और थर्ड नंबर पे मैंने आपको बोल बोल के भी पढ़ा दिया। ठीक है, तो जहाँ कहीं आपको लगे इम्पॉसिबल हो रहा है,
ध्यान रखिए, डेट इज लिटरली आई एम पॉसिबल, वहाँ पे एफर्ट्स ज़्यादा करिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं, तो टाइम दीजिए, ठीक है, और अच्छे से करिए। यहाँ पे घर के लिए क्या है, हमने जितने भी बाइबल की हैं, इन सभी को ही आपने गूगल करना है, ठीक है। जितने भी राइटर और जितने भी बाइबल की है, सभी को आपने गूगल करना है, और गूगल करते ही टॉप पे 3 या 4 लाइनें जो आती हैं वो आपने नोट कर लेनी है। तो पूरी 9 बाइबल्स हमने की, 9 पर्संस के द्वारा, 9 ऐसे बाइबल किसने ट्रांसलेट की, किस साल की है, क्या नेम है, सब अवेलेबल है। यही एक एक करके आप गूगल पे सर्च करके जो भी आपको नोट्स मिलेंगे वो आपने जोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। तो अभी के लेक्चर में इतना ही है, अब हम आने वाले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और इसके वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर एडमंड स्पेंसर को पढ़ना शुरू करेंगे, जिन्होंने फॉर अ चेंज जो ड्रामा ड्रामा मैंने कहा वो नहीं दिया है, बल्कि हमें पोइट्री दी है बहुत ही खूबसूरत। तो कैसा लगा दोस्तों आपको सेशन? अगर अच्छा लगा है, सेशन को थम्स अप दें, प्यार दें, और हमारे चैनल पॉकेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें। और क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर NTA पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं? तो दोस्तों जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली ऐप पॉकेट पढ़ाई, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स इंग्लिश NTA पेपर 2 पे पॉकेट फ्रेंडली रेट पे आप सबका वेट कर रहा है। और साथ में बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे, वहाँ भी हमें फॉलो करें। जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। टेक केयर, मिलते हैं एक और ऑसम ब्लॉसम सेशन के साथ, जहाँ पे भरपूर मस्ती होगी, प्यार होगी, मोहब्बत होगी, गाइडेंस होगी, पॉजिटिविटी होगी, और दिल से दिल तक कनेक्शन और मोटिवेशन होगी। टेक केयर।